देखने वालों और सुनने वालों को मेरा, सब श्रोताओं को सत श्री अकाल, आदाब और बहुत बहुत नमस्कार। आज इस समय में आपको सितार न बजाकर कुछ आवश्यक बातें बताना चाहता हूं। वो ये कि हम क्यों संगीत की इस तरफ आकर्षित होते हैं, क्यों सीखना चाहते हैं और इसके पीछे क्या कहानी है। संगीत तो कहते हैं कि रूह की गजा है, रूह की खुराक है, यानी कि आत्मा का भोजन है। अब इस भोजन के लिए जो अपनी तड़प है वो कहाँ से, क्यों, कब शुरू होती है, बहुत से रहस्य हैं इसमें। इंसान जन्म लेता है, दुनिया में आता है और धीरे धीरे जैसे उसकी आंख खुलती है तो वो देखता है, महसूस करता है, बहुत सी चीजें हैं दुनिया में, सुनने को है, देखने को है, स्पर्श करने को है और महसूस करने को है। जैसे जैसे एक बच्चा बड़ा होता जाता है उस पर आसपास के वातावरण का प्रभाव पड़ने लगता है। वो उन चीजों की तरफ आकर्षित होता है। जैसे किसी को खाने का शौक, किसी को सुनने का शौक, किसी को देखने का शौक, उसके पूर्व जन्म के संस्कार कहते हैं कि उसके उसको आगे प्रेरित करते हैं, यानी कि उकसाते हैं। ऐसे ही संगीत, चाहे गाना हो, चाहे बजाना हो, चाहे नृत्य हो, ये एक संगीत कला के पक्ष है, गायन, वादन और नृत्य। अब हम पर क्या है, किसी को गाने की तरफ आकर्षित होता है तो उसके गाने की लालसा उभरती है, बचपन से ही उसका ध्यान, उसका आकर्षण संगीत की तरफ, गाने की तरफ ज्यादा होने लगता है। तो धीरे धीरे क्या होता है कि वो गुनगुनाने लगता है। अगर ईश्वर ने, कुदरत ने उसको सुंदर गला दिया है, आवाज उसकी सुरीली है, तो वो ज्यादा उसमें आनंद लेने लगता है। उसको आनंद लेते लेते आसपास के जो लोग होते हैं, उसके माता पिता, भाई बंधु, यानी के जो भी उसके आसपास के लोग होते हैं, वो उसको प्रेरित करते हैं, वाह वाह क्या बात है, हमारा बच्चा, हमारा अजीज, हमारा भाई दोस्त बड़ा अच्छा गाता है भाई। तो ऐसा सुनने से उसके मन में एक लालसा जागती है कि क्या बात है यार, मैं अच्छा गाता हूँ, मेरी तारीफ सभी कर रहे हैं, क्या बात है, क्यों ना मैं इस चीज को कैरी ऑन रखूं या करता रहूं। क्योंकि मनुष्य का स्वभाव है, जिससे जिस बात से उसकी तारीफ होती है उसको प्रेरणा मिलती है, उसको आनंद मिलता है, दूसरों की सिफत सुन के वो उस कार्य को आगे बढ़ाना चाहता है। क्योंकि मनुष्य का स्वभाव है कि वो हमेशा चाहता है कि दूसरी उसकी तरफ आकर्षित हो, उसको सम्मान दे, और सम्मान देने से उसका एक आनंद की अनुभूति महसूस होती है, वाह क्या बात है यार, मैं तो अच्छा कर रहा हूँ, मेरी बड़ी तारीफ हो रही है, ठीक है। अब ऐसे ही दूसरी तरफ
क्या है कि कई जो लोग होते हैं या बच्चे होते हैं, जैसे स्टार्ट शुरू शुरू में, उनको बजाना सुनना अच्छा लगता है। तो जैसे कोई बजाता है, उनको कानों में अच्छे स्वर जो है उसके कानों में अच्छे लगते हैं। वो सोचता है भाई चलो ठीक है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि उसके जो घर का आसपास का माहौल है वो उसको प्रेरित करता है। जैसे कोई घर में हारमोनियम बजाता है, कोई गिटार बजाता है, कोई सितार बजाता है, कोई तबला बजाता है, तो सुनते सुनते उसको आनंद आने लगता है। तो वो क्या करता है कि ठीक है, वो छोटा सा सितार तबला पकड़ लिया और साथ साथ बजाते रहे। उसके घर का माहौल है, कोई उसका रिश्तेदार है, कोई उसका चाचा है, कोई हाँ पिता भी हो सकते हैं, भाई भी हो सकते हैं, वो जब उसके सामने बजाते हैं तो उसकी प्रेरणा जागती है अंदर से। वो सोचता है चलो क्यों ना मैं भी बजा लूँ। एक ये बात है। अब आगे आगे जैसे बढ़ते जाते हैं हम लोग, तो हम पर ज़्यादा प्रभाव क्या पड़ता है कि जो हमारे आसपास के लोग हैं, चाहे वो संगीतकार हैं या किसी भी लाइन में हैं, अच्छे बजाने वाले हैं, या उनकी तारीफ हमारे सामने होती है, यानी कि उस बच्चे के सामने होती है, तो वो सोचता है यार इनकी तारीफ हो रही है तो क्यों ना मैं भी जरा इसमें कोशिश करूं बजाने की। तो वो उस लाइन की तरफ आकर्षित होता है। आस्ता आस्ता उम्र बढ़ने लगती है। अब उम्र बढ़ती है तो वो क्या करते हैं, अच्छा जो लोग तो जिनका माहौल है, वातावरण है आसपास का, अच्छा जो लोग तो गाते बजाते हैं, तो एक तो श्रेणी वो होगी जो गाने बजाने वाले लोग हैं, जो उनके पेरेंट्स हैं, जो उनके गार्डियंस हैं, तो वो उनका अगर नाम है दुनिया में या कुछ शहर में या कुछ आसपास के माहौल में, तो वो भी चाहते हैं कि हमारा बच्चा या हमारा शख्स जो अजीज है वो थोड़ा इस लाइन में आवे, क्योंकि उन्होंने वो माहौल देखा होता है, तो उसको प्रेरित करते हैं। धीरे धीरे क्या होता है कि वो जो बच्चा होता है वो आस्ता आस्ता बड़ा होने के साथ साथ संगीत में या गाने में या बजाने में, किसी भी उसकी लाइन है अपनी अपनी, तो उसमें वो आगे बढ़ने लगता है। अब होते होते क्या होता है कि जब उसको सही तालीम मिलती है तो अपने उस्ताद, पिता, भाई या चाचा या कोई भी है जो संगीत में आगे ही उस फील्ड में है या उसका लाइन में है, तो उसको उसको सपोर्ट मिलने शुरू हो जाती है। तो सपोर्ट मिलती है। अब आमतौर पर क्या होता है कि ऐसे जो लोग होते हैं, जैसे जिसे हम घराना कहते हैं, घराना मतलब है कि बाप ने अपने बेटे को सिखाया, बेटे ने अपने बेटे को सिखाया, ऐसे उनकी परंपरा चलती है। अच्छा, अब दादा का नाम है तो उनको मानने वाले, उनकी शिष्य परंपरा बहुत बड़ी है, सॉरी शिष्य उनके काफ़ी मतलब फैले हुए हैं, उनको उस चीज़ का लाभ जो है वो उनकी मेहनत का लाभ जो है वो आगे जाकर मिलता है। जैसे एक बच्चा तैयार हुआ तो उसने अच्छी तरह से सीखा, रियाज भी किया, मेहनत खूब की, और मेहनत करके वो आगे चला गया। अच्छा, अब उसके जो पेरेंट्स हैं, गार्डियंस हैं, उन्होंने कहा यार वाह क्या बात है, माशाल्लाह हमारा तो बच्चा बहुत तैयार भी जाता है, तो अच्छा आइए भाई सुनिए। तो ऐसे वो एक उनको मार्केटिंग या एक उनको स्टेज प्रदान करते हैं। हाँ, इसमें एक बात ज़रूरी है कि जो लोग स्टेज भी होती है और मेहनत भी करते हैं वो तो आगे निकल जाते हैं। हाँ, जो लोग सिर्फ इस बात का लाभ उठाना चाहते हैं कि हमारे दादा थे वो बड़े अच्छे बजाते थे, बड़े अच्छे गाते थे, तो हम भी, उनके लिए थोड़ा गड़बड़ हो जाती है।
तो ऐसे है कि दोनों तरफ है। अच्छा, अब ये तो हुआ वो लोग जो जिनके माहौल घर में या उनके बाप दादा या उनकी जो अपनी परंपरा है संगीत की, वो मतलब कि शिष्य परंपरा वो चलती है। फिर दूसरे लोग हैं जो उनके पास सीखने आते हैं, तो उनमें से बहुत कम लोग जिन पर उनकी बड़ी कृपा होती है या दया दृष्टि होती है या फिर वो काफ़ी टैलेंटेड होते हैं तो वो मेहनत करके आगे निकलते हैं, या किसी तरह से उन जो उस्ताद जी हैं या जो उनके गुरु हैं उनको खुश कर देते हैं। खुश मतलब कि अपनी मेहनत के साथ, अपनी लगन के साथ। तो इसी तरह इसमें मेहनत भी बड़ी ज़रूरी है, लगन भी ज़रूरी है और अपने उस्तादों की खुशी भी बड़ी ज़रूरी है। ये जो मेल है ये कोई कुदरत की बात होती है भाई। ऐसे तो कहो भाई पैसे देकर या कुछ करता, मेहनत तो फिर उस अपने शागिर्द को या उस स्टूडेंट को ज़रूर करनी पड़ती है, बिना मेहनत के तो नहीं चलता। अच्छा, ये तो हुआ घराने वालों की बात। अब घराने वालों का रास्ता तो सीधा, ठीक है जी बेटा है जी, सिखाया उसको, प्रयास भी कराया, माहौल भी मिल रहा, आ रहे हैं बजा रहे हैं, कहीं प्रोग्राम है तो उनको साथ ले जा रहे हैं, तो ऐसे। अच्छा, अब ये सारा काम जो है जितनी जितनी कम उम्र में, जितनी मतलब है कि ऐसे बचपन से ही, अभी 5 साल के हुए नहीं तो सितार पकड़ा दिए, तबला पकड़ा दिया तो ठीक है गाने लगे या बजाने लगे, तो वो भी एक बड़ी बात है। अच्छा, अब दूसरी तरफ दूसरे लोग आते हैं जिनके घर का माहौल नहीं है, वो संगीत को जानते नहीं, वो कहते हैं अरे क्या है मरासी वाला काम है, छोड़ो क्या करना पड़ गया यार, पढ़ो मेहनत करो, अपनी डिग्री शिग्री हासिल करो, नौकरी चाकरी करो, कुछ ये कोई रोजगार का धंधा बनाओ, उसमें क्या रखा है संगीत में। अच्छा, अब दूसरी तरफ तो पेरेंट्स जो है उसके नहीं पसंद करते, ऑन दी कंट्रेरी क्या होता है कि वो बच्चा कहता है यार मुझे तो संगीत अच्छा लगता है मैं तो यही करूँगा, वो कोई छोटी सी बांसुरी लेकर, छोटी सी सितार वगैरह या कोई ऐसे इंस्ट्रूमेंट लेकर लगा रहता है, टुन टुन करता रहता है, तो फिर वो धीरे धीरे क्या करता है आसपास के जो स्कूल में उसने कर लिया जी, अच्छा जी वो टीचर है जी म्यूजिक के तो सीख रहा है जी, तो चलो ठीक है उसने सीखना शुरू कर दिया, रियाज वगैरह कर दिया थोड़ी मैं चलो, और टीचर भी जो हैं स्कूल के तो वो भी बेचारे चलो ठीक है वो होता है तो सिखाना शुरू कर दिया। अब उसमें यह है कि स्कूलों में या कॉलेजों में क्या होता है कि थोड़ा सब्जेक्ट होता है संगीत का, एक पीरियड लिया और उसमें जो सीखने लगे जी चलो ठीक है जी, सरगम सीखे, अलंकार सीखे, एक दो राग सीख लिया और ठीक है रटा रटा मार लिया रागों को, दूसरा कोई धुन गा ली बजा ली। अच्छा, अब ऐसे जो बच्चे हैं जो लोग हैं उसमें क्या होता है कि वो मतलब एक किस्म की उस लाइन में आ जाते हैं। अब दो बातें यहाँ पर बड़ी मज़ेदार है, अब संगीत की तो स्कूल में हमने कर लिया, रियाज भी कर लिया, अच्छा उसके स्कूलों के कंपटीशन में हमें इनाम भी मिलने लगे, प्राइज भी मिलने लगे, वाहवाही भी होने लगी। अब आगे जाकर क्या हो, अब क्योंकि जहां तक देखा जाए घराने की तालीम में और स्कूलों की तालीम में एक फर्क आ जाता है, उसमें क्या है कि स्कूलों में तो उसे कोर्स वगैरह कुछ राग हो, कुछ रागों की थ्योरी वगैरह हो, जो शास्त्र होता है संगीत शास्त्र, तो उस पर विचार किया जाता है, उसके पेपर दिए, एग्जाम दिए जाते हैं वगैरह वगैरह। अब एक सबसे बड़ी बात है किसी कला में महारत हासिल करना क्या होता है, मास्टरी क्या है। अब कुछ चंद 20, 30 या 40 रागों की आपने वो घोटा मार लिया, कान पलटा रट लिया या राग कर लिए, वो तो ठीक है हो गया, शास्त्र पढ़ लिया वो भी ज्ञान हो गया,
अब उस चीज को लेकर मार्केट में कैसे आया जाए, संगीतकारों की महफिल में या उनकी चीजों में कैसे आया जाए, क्या चीज हो। इसमें एक ही बड़ी बात है, हम सब कुछ क्यों सीखते हैं, क्यों रटते हैं, सरगम है, अलंकार है, पलटे हैं, ताने हैं, राग है, राग में गते याद करते हैं, वो तो किसी हद तक तो ठीक है, करना भी चाहिए, क्योंकि तो शुरू शुरू में तो ऐसे सीखा जाता है, कुछ चीजें याद करनी पड़ती हैं, कुछ चीजों का मनन करना पड़ता है, कुछ चीजों का अभ्यास करना पड़ता है, कुछ चीजों को देखना और परखना पड़ता है। अब देखिए एक बात है, अब संगीत में जैसे आपने बड़े बड़े अच्छे सितारियों को, अच्छे अच्छे संगी वादकों को देखा होगा कि जब गाने वाला बैठता है साथ, तो जैसे ही राग शुरू करता है उसके साथ साथ बिल्कुल इसको कहते हैं फॉलो सिस्टम, जो सुन रहे हैं वो बजा रहे हैं, जो सुन रहे हैं बजा रहे हैं, जैसे शॉर्ट हैंड में डिक्टेशन वर्क होता है, आप बोलते जाओ वो शॉर्ट हैंड वाले लिखते जाते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस है। पहले जैसे रिकॉर्डर नहीं होते थे तो शॉर्ट हैंड जो स्पीच इंसान बोलता था शॉर्ट हैंड वाले उसको लिखते थे, फिर जो होकर वो पेपर में न्यूज़ वगैरह दी जाती थी। ऐसी म्यूजिक का है कि जब जैसे ही आपके सामने यह बजाया जाए तो फौरन आप उसको पिकअप कर लो, क्या राग है, क्या सरगम है, तो बिना सोचे हुए जैसे एक अभ्यास हो जाता है, सुना बजाया, चाहे आपके पीठ के पीछे बैठा हो इंसान, चाहे दाहिने बाएं बैठा हो, आपको ये सोचने की न जरूरत पड़े यार कौन सा राग है, सरगम कौन सी बज रही है, मीड कौन सी निकल रही है, खटका मुरकी कौन सा लग रहा है, सुनते ही एकदम हाथ उसी पना जैसे दानो, अब क्या स्वर लग रहे हैं, अब एकदम हाथ उस पर बैठ जाए, तो जितना ज्यादा ये होगा अभ्यास होगा तो सब कुछ सीखना, मतलब यही है कि आप इतने मास्टर हो जाओ कि उसका एकदम फिर जहां जाओगे जिस स्टेज पर जाओगे, अच्छा भाई क्या है, गाने वाला है, उसके पीछे बजाना है, उसके साथ पीस देना है या कोई म्यूजिक देना है, तो ये ना हो कि वो कहते रहे अच्छा अच्छा ऐसे ऐसे बजाइए ऐसे बजाइए, तो आप मुंह देखते रहो उसको, अच्छा मुझे रियाज करने दो, प्रैक्टिस करने दो, उसके बाद में उसको, तो ऐसे तो उसको तैयार आदमी चाहिए मार्केट में, संगीत की मार्केट में, तभी तो आगे बढ़ सकते हैं इंसान। तो ऐसे ठीक है कोर्स कर लिया तो डिग्री भी हासिल कर ली, अब उसके लिए एक और लाइन है, टीचिंग की लाइन है, पढ़ाने की लाइन है, जो आगे हम दूसरों को दें, लेकिन फिर भी हमें हमारे जो समाज को, हमारी जो संगीत की मार्केट है, इसको तो कलाकार चाहिए भाई, ताकि वो आगे जाकर काम कर सके प्रैक्टिकल तौर पर। थ्योरी तो बहुत होगी, बहुत डिग्री वाले निकाल ली है, तो निकाल ली तो उनका आगे क्या होगा, अच्छा एक डिग्री अगर नहीं PM की या PhD की है, फिर वो कॉलेज में लग गया, प्रोफेसर बन गया, और बजाने में बड़ा मुश्किल क्या है कि पहले तो उसको तो परेशानी है इंस्ट्रूमेंट कैसे मिलाना है, तो अगर चलो कोई मेहनत करके उसने कर भी लिया, अब सिखाना है, अब जैसे अब आगे फील्ड में जाएगा किसी स्टेज पर जाएगा वो अकेले तो बजा लेगा रटा भटा जो भी है, लेकिन अब किसी इंडस्ट्री में या किसी और चीज़ में तो बड़ा मुश्किल है, या उस्तादों की महफिल, बड़ी बड़ी महफिलों में बजाना है, चार सजिंदे बैठे हों उसको, उनको फॉलो करना है, तो वो भी एक बड़ी बात है। तो अब ये है एक चीज़ है, अब जो लोग जिनके घर का माहौल है तो जो वहाँ घराने की लाइन तक पहुँच सकते हैं,
पहले पिता से सीखा, तो अब सीखते सीखते जब पिता का मान लो नाम नहीं है उनका, तो वो अपने अजीज को शिष्य को आगे कह सकते हैं, भैया जाओ अब हमारे पास इतने अच्छे उस्तादों के पास बैठो, उनको बिठाना, उनके पास रियाज करवाना, और थोड़ा बहुत खर्च भी तो होता ही है, ऐसे तो बिना खर्च के तो काम ही नहीं। तो अब इस विचार का है कि देखो, अब दूसरी तरफ जो लोग जिनका माहौल नहीं है ऐसे ऐसा, मान लो कि किसी स्कूल में उनका हो रहा है, तो फिर आगे जाकर जो अच्छे इंस्टीट्यूशन है उस इलाके में, वहाँ जाकर सीखें, वहाँ जाकर रियाज करें, वहाँ जाकर उनके जो उस्ताद हैं वहाँ टीचर हैं उनकी गाइडलाइन पर चलें और वैसा ही रहे। ये नहीं कि आप उसमें जाकर सोचो कि हम वैसे घरानेदारी जो बड़े बड़े उस्ताद स्टेजों पर बजाते हैं उसके जैसा बन सकते हैं, तो बड़ी मुश्किल सी बात है, क्योंकि या तो आदमी सीखता रहे, अगर छोटी उम्र में सीखना शुरू किया है तो फिर इंस्टीट्यूट में या कॉलेज में तो सीखेंगे, तो उसमें क्या था कोर्स का बर्डन ज़्यादा होता है। अच्छा जी 50 लाख करने हैं जी, कितने लाखों की थ्योरी करनी है, पेपर देना है, फिर वो कहता है कि रटा मारना पड़ता है, वो असली तो जो टेक्निक है वो हाथ से निकल जाती है, वो ना आदमी इधर का रहता है ना उधर का रहता है, फिर किस लिए रहता है क्या? अच्छा भाई चलो ठीक है, डिग्री आएगी तो कोई छोटी मोटी नौकरी मिल जाएगी तो चलो ठीक है। अच्छा जो लोग इस चक्र में रहते हैं कि हम इंस्टीट्यूशन में रहकर या कॉलेज में रहकर या वहाँ सीखते हुए कोर्स भी करते हुए हम बड़े आर्टिस्ट बन जाएंगे, तो बहुत गिने चुने हो सकते हैं, बाकी वो भी नहीं, क्योंकि जो बेस होता है इसका, जो शुरू में इसका बेस होता है वो क्या है कि सही सुर ज्ञान। सही सुर ज्ञान में कम से कम रागों का संकलन हो, कोर्स हो, और प्रैक्टिकल पर जोर दिया जाए, स्वर ज्ञान पर जोर दिया जाए, साई के मिलाने पर जोर दिया जाए, और फिर धीरे धीरे सब तरफ प्रैक्टिस करते हुए तान पलटा अलाप जोड़ा अलाप मीड गमक इसका अभ्यास करते करते तो 10 मुख्य रागों पर खूब अभ्यास हो, बाकी तो आगे जाकर क्या होता है कि जब आप सध जाते हो, स्वर सध जाते हैं आपके कोमल तीव्र ये वगैरह दूसरे, तो फिर क्या होता है रागों का क्या है कि पकड़ ली राग की, उस पर थोड़ा लाभ किया, अब उस्ताद ने टेक्निक बताई हुई है, छंद बताए हुए हैं गत्तों के, अब उन छंद के आधार पर आपने क्रिएशन वर्क शुरू कर दिया, वो चीज वो है वो एक अच्छे उस्ताद के पास बैठ के शुरू से, या तो वो सन्यासी वाला काम है, चले जाओ छोटा बच्चा उस्ताद के पास, उस्ताद ये मेरा बच्चा है इसको सिखाइए, और जो भी होगा हम आपकी खिदमत सेवा करेंगे। उस्ताद जी खुश हो गया, अच्छा भाई ठीक है आ जाओ भाई बैठ जाओ सीखो, आप 1 साल 2 साल 10 साल 8 साल 6 साल तब तो खूब मेहनत की, तो 16-18 साल की उम्र तक मत तैयार हो गया, अब उस्ताद भी खुश है भाई यार मेरा शिक्षक तैयार होगा, जो तारीफ तो मेरी होगी, और फिर वो अच्छा आ जाओ भाई बैठ जाओ, उसमें क्या है कि उस्ताद बिठा लेते हैं साथ में छोटी सितार लेके एक सर पर बैठ जाता है शिक्षक, और लगता है बस जुगलबंदी शुरू करने, उस्ताद गात बजाता है तो वो भी साथ साथ बजाता है, तो ऐसे देखने वाले कहते हैं भाई वाकया ये तो इसने बठा तैयार कर लिया। तो दूसरी तरफ एक और चीज़ बड़ी मज़ेदार है, अब ये है कि फर्स्ट की डिग्री में अब हमने तो कोर्स करना है भाई इंस्टीट्यूशन का पूरा, तो हमारे जो टीचर हैं वो भी इसी तरह से आए हैं भाई, चलो उन्होंने कभी जिंदगी में सोचा होगा अच्छा भाई चलो संगीत मतलब करते हैं तो इसमें
शायद हम नाम भी हो जाए और शोहरत भी हो जाए, लेकिन वो भी इंस्टीट्यूशन में पढ़े, वहाँ सीखा, डिग्री की। अब डिग्री की तो गुजरती बात है, डिग्री के लिए तो नौकरी का तो रास्ता खुलता ही है, तो वो नौकरी पर लग गए। लेकिन उनके पास भी ना वो तालीम नहीं, वो भी रटे के चक्कर में फंस गए। एक रजिस्टर रखा हो, कापी रखी हुई है, कुछ गत्ते हैं उसने अपने पिछले सालों से जैसे सीखी हुई हैं, तो वो आगे बढ़कर उनको सिखा देता है, तो सिखाता है, वो चलता है, तो ऐसे सिस्टम चलता है। अब वो जो तैयार हुआ स्टूडेंट इंस्टीट्यूट में, वो भी यही करेगा। अगर वो बच्चा ये सोचता है कि मैं टीचर के साथ सीखूं, तो इधर उधर से थोड़ा देकर तो अपने आप को बढ़ाने की कोशिश करूं, तो क्या है, इससे क्या होता है कि वो टीचर को पता नहीं होता है ये वो आगे पीछे भी कर रहा है, इसलिए उसकी जो रेपुटेशन है वो ख़राब होनी शुरू हो जाती है। वो कहता है यार क्या है ये, अपनी उस्तादी मारता है, चलो छोड़ो। वो सारा ध्यान दूसरे स्टूडेंट की तरफ देता है जो उसकी आंखें मूंद कर कहना मानते हैं, जैसे कहते हैं रटो, जैसे सर का मैं इसको रट लो, कुछ आप इधर उधर मत करना जोड़ तोड़। तो वो तो खुश तो करता है, वो नंबर भी उसको अच्छे मिल जाते हैं, तो डिग्री भी अच्छी मिल जाती है। ऑन दी कंट्रेरी दूसरा स्टूडेंट जो वो जो कहता है अच्छा ठीक है मैं इधर से सीख ले, शायद मेरी तारीफ हो जाएगी, भाई इसने एक एक दो पलटे अपने से बनाए हैं, उनका से मैं कुछ थोड़ा मीट भी कभी समावेश किया है, और आप ये अच्छा भी जाता है, तो ये है बहुत दूसरी सर। अब आसपास के लोग ना वो चिढ़ जाते हैं, अब क्यों, उन्होंने वो प्रैक्टिकल किया नहीं होता, तो बड़ी तजुब की बात है। अब ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए, बिल्कुल आँख मूंद के जैसे वो बताएं सीखना चाहिए, तब तक उनकी डिग्री पूरी ना हो। अब जो डिग्री पूरी होगी, सितार पकड़ना आ गया हाथ में, थोड़ा बहुत बजाना भी आ गया, अच्छा स्टेज पर भी बजा रहे हैं, तारीफ भी मिल रही है, अच्छा क्यों, कोई जो उन्होंने सिखाया बजाया, हाँ वो जितना बजा सको सोच समझ के बजाए, अच्छे ढंग से बजाए, मेहनत से बजाए, तो फिर आगे जाकर जब उनका कोर्स पूरा हो जाता है, तो उसके बाद अगर आगे उनके पास समय है, तो आगे आकर बड़े उस्तादों के पास या उससे भी अच्छे माहौल में वो सीख सकते हैं। लेकिन वहाँ भी बड़ा अजीब है सा, जब सीखा हुआ मनुष्य, मिसाल को किसने एमए किया हुआ म्यूजिक में, वो कहते हैं मैंने तो एमए की है, पर मैं मास्टर हूँ। अब जब उस्तादों के पास फंस जाते हैं ना, वो कहते हैं बेटा चलो शुरू से बैठ जाओ, अब करो, क्यों भाई वो सारा गड़बड़ सा, बात भी सही होती है, क्योंकि उनके मुताबिक वो चीज़ मिलती नहीं। अब दूसरी बात यह है कि अगर आपने म्यूज़िक सीखना है, तो पहले बात है कि शौक के लिए सीखना, इसको आपको छोड़ना पड़ेगा, हाँ मैं मेरे शौक है जी मैं म्यूज़िक सीख रहा हूँ। पहली बात है इस महंगाई के ज़माने में इंस्ट्रूमेंट बहुत महंगे हो रहे हैं, स्ट्रिंग वगैरह बड़ी महंगी हो रही है, इतना तो क्या कहें। अब सारा काम तो खुद इंसान कर नहीं सकता, तारे में नहीं बना सकता, सितार में बना सकता, फिर बड़े बड़े सितार लेना पड़ता है, तो उस तरीके से वो आप शौक के लिए सीखना, तो हाँ पक्का इरादा बना लो कि हमने कुछ इसको करना है, सीखना है या सिखाना है, तो डिग्री वगैरह करके पूरा कोर्स करके 7-8-10 साल जो भी लगाने पड़ते हैं। हाँ अगर आपने घराने के लिए कलाकारी के लिए सीखना है, फिर हम स्टेज पर बजाएं जो करें, उसके लिए वो घराने वाला रास्ता तो आपको लेना ही पड़ेगा, चाहे वो कैसे भी हो, लेकिन जितनी कम उम्र में ये किया जाए उतना ही बड़ा अच्छा है। अब बहुत सी बातें हैं इसमें, तो रास्ता तो मिनिस्टर करता है कि पेरेंट्स जो हैं हमारे, जो गार्डियंस हैं, माता पिता हैं, या और हमसे बड़े हैं जो, वो जब देखते हैं कि बच्चा ठीक है इस संगीत में, या तो उसकी तारीफ आपको अच्छा अच्छा ठीक है, अच्छा चलो ऐसे रखो जैसे भी स्कूल में किया किए, लेकिन जब ज़्यादा तारीफ उसकी करने लगते हैं, वाह 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 बच्चा बहुत अच्छा बजाता है, इसने वहाँ कंपटीशन प्राइज जीता, वहाँ जीता, वहाँ जीता,
तो उसको फंसाने वाली बात होती है बेचारे को, वो फंस जाता है उसमें चक्कर में, फंसता है। तो कहते हैं अच्छा ये ठीक है जी, उसको ले लिया छोटा सा सितार ले लिया, दोहरा ले लिया, अच्छा भाई जो करो, आगे जाकर उसका फील्ड जो बंद होने लगता है, क्योंकि इंस्टीट्यूशन में सीखा हुआ इंसान सिर्फ डिग्री तो हासिल कर सकता है, और अगर उसकी किस्मत किस्मत का तड़का अच्छा लगा तो नौकरी भी कर सकता है वो, तो ठीक है हो गया भाई इतना हो गया भाई, हमारा बच्चा हमारा लड़का लड़की बस प्रोफेसर है। तो फिर अंदर जो है संगीत की भूख है, जो तड़प है, वो पूरी नहीं होती। तो अगर तो आप उस माहौल में है भाई, ठीक है इंस्टीट्यूशन में सीख रहे हो आप, आगे जाकर डिग्री भी मिलेगी, वो फिर यह है कि वो घरानेदारी या स्टेज में बजाने का जो आपका जुनून है उसको थोड़ा कसर रखना पड़ेगा। अगर आपको जुनून है कि हम स्टेज पर बजाएं बड़े बड़े अच्छे कलाकारों की तरह, तो वो कलाकारों का माहौल जो उनकी सिखलाई का माहौल जो उनका वातावरण है वो तो आपको लेना ही पड़ेगा। वो तो इसका चीज का ध्यान है जो बच्चे के माता पिता हैं उनकी तरफ उन जाना चाहिए। अगर वो कहते हैं ठीक है भाई जाओ सीखो, मदद करते हैं, कुछ खर्च करते हैं, तो वो अच्छे उस्तादों के पास उनके जो खोले हुए इंस्टीट्यूशन हैं, जो खोले हुए जहाँ पर उनकी हाजिरी लगती है या वो करते हैं, तो उसमें एक तालीम लेना अच्छी बात है। फिर तालीम तो ले ली, पूरी कर ली, अब मार्केट में कैसा आ जाए। अब जब आपने अच्छी तरह से सीख लिया है तो भाई सितार उठाइए और जाइए, हाजिरी हो जाए। हाँ भाई सुनो भाई जो है, क्यों आप में कॉन्फिडेंस है पूरा, आप झिझकते नहीं हो, ये नहीं आप सोचते यार मैं कैसे सितार मिलाऊं, कैसे करूं यार, बेसुरा मिल रहा है क्या है, कभी मिलाना सीखा नहीं, अब रहे बैठे से पर मिला रहे हैं, चलो ठीक है अब मिला लिया। अब क्या है कि प्रोग्राम शुरू हो गया, अब इतना सीखा हुआ आपने ढंग से सीखा हुआ, आपको ये नहीं अपने कितना रटा हुआ है, हमारे खान साहब हशमत अली खान साहब मैं कहते थे भाई जो सीखा हुआ है सब अगर भूल जाओ तो जो पीछे निचोड़ बचा हुआ है वो आपकी सही तालीम है, यानी कि आपको बार बार देखना पड़े, याद करना पड़े, रटना ना पड़े। एकदम सितार उठाया बस शुरू हो गए, अब गाता रही है और उसके फूल खिल रहे हैं, मीर गम मुरकी वगैरह लाल डाट गायकी अंग तंत्र अंग सब उसमें आ रहे हैं, एक स्वाभाविक तौर पर जैसे एक कलाकार का ब्रश चलता है तो कई रंग बिखरता है, उसको ये नहीं होता कि मैंने कौन सी लाइन कैसे खींचनी है, कहाँ से लेना है, कहाँ से घुमाना है, ऑटोमेटिकली जैसे एक खिलाड़ी है रेसलर है उसको सोच के नहीं दौड़ लगाता कि मैं जहाँ पर दौड़ लगाऊंगा, तो ऐसे उसका ऑटोमेटिकली अपने आप ही इस किस्म की मास्टरी हो, इस किस्म की तालीम हो। तो ये है कि ये एक संगीत जो है एक यानी कि ऐसे लेने वाला विषय नहीं है, मतलब कि हम कहें हाँ जी हमने चलो कुछ कोर्स किया तो उसमें पढ़ाई में तो कम नंबर आ गए हमारे, तो एक एडवर्टाइजमेंट आ गई, हाँ हाँ हमारा इंस्टीट्यूशन है इसमें आइए एडमिशन किया। अक्सर यही होता है कि जो लोग दूसरे विषयों में कमज़ोर होते हैं तो अक्सर वो म्यूज़िक की तरफ चले जाते हैं, अब उनकी भी बड़ी समस्या है म्यूज़िक इंस्टीट्यूशन वालों की, वो क्या करें, उनको तो चाहिए स्टूडेंट चाहिए, भाई कैसे चलेगा काम। तो ऐसे ही गोरख धंधा चलता है भाई, क्या करें, सब अपनी अपनी जगह सही है, कोई भी गलत नहीं है, जिस मतलब है कि इंसान ने अच्छा जो लोग संगीत सीखते हैं जिनको सर नौकरी भी नहीं मिलती बेचारों को, वो क्या करेंगे, वो भी छोटा सा एक इंस्टीट्यूशन खोल लेते हैं, बच्चों को सिखाने वाला चोर सिखा लिया,
अब ऐसे कहते हैं, अच्छा, भेजो हम बच्चे को, हम इनको कलीम देते हैं, सिखाते हैं। तो एक थोड़ा छोटा सा हारमोनियम रख लिया, तबला रख लिया, थोड़ी सितार रख ली, तानपुरा रख लिया, और उसमें छोटे छोटे बच्चों को ट्यूशन सिखाना शुरू कर दिया। अब ऐसे वो ठीक है अपनी जगह, वो तो बच्चों को प्रेरणा देते हैं, सिखाते हैं, कि आगे जाकर उनकी नैन का सोर्स कैसे हो, ये तो हमारी सरकार या हमारे आसपास के लोगों को सोचना है। भाई एक बच्चा सीख रहा है, वहीं से उनकी आगे शंटिंग किया जाए और वहीं से उन्हें अच्छे उस्तादों के पास भेजा जाए, वैसी तरीके। अच्छा, अब तो सारा जो जोर है वो शास्त्र बन दिया जाता है, भाई हाँ जी तेरी है प्यार की गलत, यानी कि एक बन गया थोड़ा हिसाब का, चलना चाहिए। तो अब जैसे आजकल का माहौल है, धीरे धीरे लोग इन चीज़ों को भूल रहे हैं, इनसे उकता रहे हैं। किसी के पास लंबी सितार या लंबा या जोर सुनने का तो समय नहीं है। अच्छा, 2-4 मिनट में बजाया सुनिया, चलो ठीक है ठीक है। अब ठीक है, बड़े बड़े उस्ताद, बड़े बड़े अच्छे अच्छे लोग बड़ा प्रयत्न कर रहे हैं, बड़ा जोर लगा रहे हैं, लेकिन जब तक आम पब्लिक में प्रैक्टिकल के लिए थोड़ा प्रेरणा नहीं होगी, तो उसके लिए प्रेरणा क्या है? भाई देखो, कोई भी अगर शौक से सीखना चाहे या प्रोफेशन के लिए सीखना चाहे, भाई ये तो साज है, मेहनत तो मांगता है भाई, इसने अपनी तो सेवा जरूर करनी है। चाहे आप 2 घंटे दो, 4 घंटे दो, पूरी उम्र लगा दो, ये अब तो हाँ, या फिर ये हो कि कम से कम लोग इस लाइन में आए, अच्छे लोग आए, परखे हुए, ठोक बजा के उनको बार बार। अब खान साहब मेरे उस्ताद जी कहते थे, बेटा जो सीखने आएगा 10 दफा उसको धिक्कारो, अगर 11वीं दफा वो आता है तो उस पर फिर ध्यान दो, भाई वाकई ये सीखने वाला है, पहले उसको कहो भाई भागो, ये तुम्हारे काम की चीज नहीं, हमारे मेरे साथ यहाँ सब कुछ है। तो ऐसे लोगों को, जो गरजमंद लोग हैं, जो इसके लिए रह नहीं सकते, तो सही तो वो, हाँ भाई हम जबरदस्ती प्रचार करें, हाँ भाई तुम ही सीख, तुम ही सीख, तुम ही सीख, तो ये होता ठीक है, वो आ जाएंगे 10-20 लोग आज इकट्ठे हो गए, चलो जी एक इंस्टीट्यूशन चल पड़ा, चलो ठीक है, 4 पैसे की आमदनी हो गई, चलो ठीक है, चलो अच्छा हो गया, कोर्स करा दिया, वो अपने घर अपने घर। अब तो सभी अपनी अपनी जगह ठीक है भाई, क्या कह सकते हैं, आगे जाकर मोह बंद हो जाता है। क्यों? क्योंकि तो फील्ड में लिसनर है, सुनने वाले हैं, वो कम होंगे तो आपकी दुकानदारी भी कम होगी। तो ऐसे ही है, बड़ा माहौल है, बड़ी चीजें हैं, बड़ा विस्तार है, तो उसमें कुछ नहीं। मंडी में किसान सब्जी बेचता है या जो भी फल बेचता है, तो अच्छी फसल हो तो मंडी में कीमत पड़ जाती है, तो ऐसे खराब हो आगे पीछे वो करना पड़ता है। बड़ा सा यानी कि इस विषय में बड़े सोच समझ के आपने इसमें करना है, कि शुरू से ही इस पर ध्यान देना है कि सीखें, कब सीखें, कहाँ सीखें, कैसे सीखें और किस वास्ते सीखें, इन बातों को बड़ा ध्यान। ये नहीं आंखें या किसी के बहकावे पर, किसी के कहने पर, वाहवाही पर, ये तो छोटी छोटी बातें होती हैं। तो या फिर ऐसे हो, बहुत पैसा आपके पास, बहुत कोई परवाह नहीं है, बजा लिया, चार ने सितार बजाया, गिटार बजाया, वो इधर उधर किया, अपना मन खुश किया और रख लिया कोने में सितार, पड़ा कोई बात नहीं यार, ठीक है, हमने शौक पूरा कर लिया। हाँ, जो लोग इस लाइन में इसलिए आते हैं कि हाँ भाई हम कुछ करेंगे, तो उसके लिए पहले के स्टेज परफॉर्मेंस, कलाकारी का चुनाव करना है, या फिर ऐसी चीज़ के लिए चुनाव करना है कि हम चलो टीचर बन जाए या प्रोफेसर बन जाए या कोई भी सिखाने वाला है, शास्त्र वगैरह दूसरे,
एक अपना एक ये भी एक चीज है। तो इसमें भी इस ढंग से हो कि आपको प्रैक्टिकल भी अच्छा नॉलेज हो, शास्त्र का भी अच्छा नॉलेज हो, तो ऐसे लोग आगे जाकर जो सिखाएंगे तो वो तो प्रेरणादायक होगा दूसरों के लिए, रास्ता खोलने वाला होगा। तो नहीं तो फिर ऐसे ही बचो, चलो जैसी दुनिया चल रही है। अच्छा अब बहुत है, जितना कहो उतना ही ज्यादा बड़ा विस्तार है, वो तो ऊपर वाला ही संभाले सब चीजों को। अच्छा जी, ईश्वर आप सबका भला करें।